देखिए जैसा कि करंट अफेयर्स में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बीच में 2 दिन का आपसे बात है, बीच में 2 दिन रहेगा, आज ही क्लास होगा, कम से कम आज ही क्लास ले रहे हैं, उसका कल या परसों में क्लास फिर लेंगे, अगर 3 दिन संभव हुआ तो ठीक है, तो बीच में 2 दिन भी हम लोग करेंगे। चलिए, आप सबको पता है करंट अफेयर्स को हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको 10 भाग में बांटे हुए हैं अपने यूनिट में आप, ठीक है, उसका एक यूनिट हम लोग का राज व्यवस्था है या प्रशासनिक व्यवस्था भी है। करंट अफेयर्स को हम लोग 10 भाग में बांट के देख रहे हैं, उसका एक यूनिट राज व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था है। आज हम लोग राज व्यवस्था से पहले शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ दिन पहले आप एक चर्चा में देखे होंगे, हमारे राज्यसभा के जो सभापति या हमारे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, आपको पता है क्या नाम है उनका, जगदीप धनखड़, हमारे माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ हैं, तो राज्यसभा के सभापति के पद पर भी आसीन है। बड़ा बीच में एक विवाद आया था कि एक सांसद महोदय ने इनकी नकल उतारी, ठीक है, संसद भवन के बाहर में नकल उतारा, इसके कारण से विवाद आया कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नकल उतारना उचित है नहीं उचित है, इस तरह के विवाद सामने आए, ठीक है। हम लोग के लिए, पीटी के लिए प्रश्न तो सिर्फ यही बन सकता है कि ये जो जगदीप धनखड़ है ये क्या है अभी, तो भाई ये सभापति राज्यसभा है या उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ के हैं ये, ठीक है। दूसरा कि जो इनके नकल उतारने के कारण से जो विवाद हुआ था, किस सांसद का द्वारा ऐसा किया गया, तो तृणमूल कांग्रेस के हैं कल्याण बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी हैं जिनके द्वारा इनकी नकल उतारी गई थी, जिससे एक विवाद उठा था, ठीक है। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर आप देखना का ये प्रयास कीजिएगा तो हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं रही, पहले भी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो या विपक्ष के नेता, इनका नकल उतारने का काम हमारे यहाँ खुद नेताओं ने भी किया, खुद मुख्यमंत्री जो रहे हैं या प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो भी नकल उतारते या इस तरह की कोई बात करते दिखे, लेकिन ये संवैधानिक पद पर है इससे थोड़ा सा ये विवाद में रहा है। ये अगर मुख्य परीक्षा का विषय होगा तो हम लोग इस पर अलग से विचार करेंगे कि हम लोग का स्टैंड क्या होना चाहिए। पीटी के पर्पज से सिर्फ हमको एक जानकारी रखना चाहिए किस तरह की घटना घटी, ठीक है, और एक विवाद सामने आया, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है ये अब और एक महत्वपूर्ण विषय है जो इस बार का मुख्य परीक्षा हुआ, हम देख रहे हैं कि प्रश्न उसमें आ भी गया, ठीक है, मान के चलिए बड़ा एडवांस में यूपीएससी ने प्रश्न पूछ दिया। अब सबको पता होगा हमारे यहाँ जो दंड की व्यवस्था है या दंड प्रक्रिया संहिता जो है या एविडेंस एक्ट जो है हमारे यहाँ है, इस तीनों में एक परिवर्तन आया, ठीक है। अभी सरकार ने एक संशोधन के द्वारा इस तीनों में बदलाव लाए हैं, तो इससे संबंधित एक प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी आया। लिंच के दृष्टिकोण से भी उतना ही महत्वपूर्ण है ये, अभी हम लोग यहाँ पीटी के दृष्टिकोण से देखेंगे इस चीज को, ठीक है, थोड़ी बहुत चर्चा मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कर लेंगे। जैसे देखिए, पहले हमारे यहाँ जो कानून लागू था वो था भारतीय दंड संहिता, ठीक है, IPC के नाम से इसको आप जानते हैं, इंडियन पेनल कोड के नाम से, ठीक ना, भारतीय दंड संहिता के तहत ही दंड के प्रावधान थे, IPC इंडियन पेनल कोड। आप सबको पता होगा बहुत बार पीटी में प्रश्न आया है कि IPC कब से लागू हुआ, तो ये 1860 का है भारतीय दंड संहिता, 1860 से लागू हुआ और लगभग ही हमारे यहाँ आज तक ये चल रहा था, जिसे अभी वर्तमान सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है और इसका नाम भी बदल गया, अब इसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता। अब इसका क्या नाम है, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। पहला चीज आया नामकरण में परिवर्तन हुआ, इसके साथ ही बहुत सारी धाराएं बदलेंगी, तो हम लोग GS के पर्पज से जो चीज है पहले उसको देखें। जैसे पहले इसमें IPC जब था तो 511 धाराएं इसमें थी, IPC में कितनी धारा थी 1860 में 511 धाराएं थी इसमें, ठीक है। ये भारतीय न्याय संहिता जो हमारे पास आया इसमें 358 धाराएं हैं, 358 धाराएं रखी गई हैं, 358 धाराएं हैं। अब ये आपके लिए प्रश्न है, एकदम पीटी फैक्ट सही है कि भारतीय न्याय संहिता, पहला क्वेश्चन हो गया कि नाम बदल के क्या रखा गया भारतीय दंड संहिता का, तो आपका उत्तर है भारतीय न्याय संहिता रखा गया, ठीक है। दूसरी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ 511 था, यहाँ पे
358 धाराएं हुई, ठीक है। तो धाराएं कुछ कम की गई यहाँ पे, ठीक। आगे हम देखेंगे कुछ पीटी के पर्पज से क्या हो सकता है। तो 20 नए अपराध को जोड़ा गया इस आईपीसी में। क्या किया गया है कि 20 नए अपराध सामने आए, जोड़े गए, जो मुख्य बातें हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। 20 नए अपराधों को इसमें जोड़ा गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 6 छोटे अपराध में, ठीक है, 6 छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा जैसा दंड का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक सेवा, पहले कोई दंड हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ अभी सामुदायिक सेवा जैसा दंड शुरू किया गया है। ये छोटे मोटी चोरी ऐसे मामले में सामुदायिक सेवा, 6 ऐसे अपराध हैं जिसमें सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा, मतलब उनको सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी, उसके एवज में उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा दंड का प्रावधान पहली बार भारत में इस न्याय संहिता में किया गया, ठीक है। ये भी आपसे प्रश्न हो सकता है। आगे देखेंगे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यौन अपराधों से निपटने के लिए, ठीक है, यौन जो अपराध होते हैं उससे निपटने के लिए खासकर महिलाओं व बच्चों, ठीक है, के प्रति अपराध नामक एक नया चैप्टर ही जोड़ा गया। महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध इस नाम से एक नया चैप्टर इसमें जोड़ा गया, ठीक है। 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनके साथ अगर रेप की घटना घटती है, इसके सजा के प्रावधान बढ़ाए गए। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के सजा का प्रावधान किया गया, ठीक है। बेटी के पर्पज से जो महत्वपूर्ण है, हम वहां तक की चर्चा कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा एक अलग पैटर्न है और न्यायिक सेवा जो देंगे उनके लिए तो अलग बात होती ही है, ठीक है। फिर गैंग रेप के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसमें एक नई बात और आई जो बहुत महत्वपूर्ण है, आतंकवाद की परिभाषित किया गया, आतंकवाद। इसके पहले जब भी हम लोग कभी पढ़ते थे तो हम लोग यही था, आज भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को परिभाषित नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप जाएंगे तो आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इस हमारी जो न्याय संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें हम लोगों ने आतंकवाद को परिभाषित किया है, ठीक है। अब इसके मुख्य बिंदु को भी समझ लीजिए कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को जिससे खतरा उत्पन्न हो, शांति भंग हो, देश को आर्थिक क्षति हो, ठीक है, इस तरह के कोई कृत्य को अंजाम देता है तो वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, ठीक है। मैंने आपसे एक बेसिक जो इसका मोटा मोटी कंसेप्ट हो रखा है, आतंकवाद वाले प्रश्न में मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण होगा, वहां आपको इसका विस्तार से उल्लेख करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से समझिए, आतंकवाद की परिभाषा में अब देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने वाले कृत्य, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले जो घटना हो सकता है वो, ठीक है, क्या होगा, ये आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। ऐसा कोई कृत्य आप करते हैं तो ये आतंकवाद की श्रेणी में आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक मॉब लिंचिंग का आया। पहले भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती थी, अब बोला गया कि 5 व्यक्ति, ठीक है, या उससे अधिक व्यक्ति जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे कोई घटना को अंजाम देते हैं, अगर वहां किसी की मृत्यु होती है, मॉब लिंचिंग है ये, ठीक है, वहां भी सजा के प्रावधान किए गए। अब मॉब लिंचिंग में भी आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा के प्रावधान किए गए, ठीक है। तो आईपीसी में महत्वपूर्ण बदलाव है, ठीक है। आईपीसी जो हम लोग को जानना था, जिसका नाम अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, ये उसमें क्या है, उसके महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो पीटी के ख्याल से इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए हम आपसे बार बार चर्चा कर रहे हैं, इस 29वीं में पूछा जा चुका है, लेकिन ये आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। दूसरा क्या था, एक था हमारा आईपीसी है दंड संहिता, फिर दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ना, ठीक है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में क्या बदलाव है इसको हम लोग देखेंगे। तो दंड प्रक्रिया संहिता इसमें लोगों ने क्या क्या चेंज किया, तो दंड प्रक्रिया संहिता की जहां तक बात है तो इसका नाम बदल के किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। बार बार आपसे ध्यान दिला रहे हैं कि पीटी के पर्पज से नाम बदल के जो रखा जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता का नाम अब क्या हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका नाम बदल के हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से हम लोग जानते थे। इसमें क्या हुआ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आया निकल के कि अब इसमें आरोप पत्र दाखिल करने, ट्रायल चलाने
जमानत, जजमेंट, गिरफ्तारी आदि जो महत्वपूर्ण विषय हैं, वो सब के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या आया है इसमें, एक समय सीमा तय कर दी गई। 35 ऐसे सेक्शन हैं, ठीक है, इसमें 35 ऐसे सेक्शन हैं जिसमें समय सीमा तय की गई कि इतने समय में आपको करना पड़ेगा इस काम को। जैसे आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए, ठीक है, गिरफ्तारी, जांच, ट्रायल, पहले इसकी समय सीमा जो नहीं तय थी, एक दो मामले में तय था, जैसे आरोप पत्र दाखिल करने में तय था, ठीक है, कि 60 साल के अंदर आपको, 60 दिनों के अंदर आपको आरोप पत्र दाखिल करना होता था। कुछ मामलों में 90 दिन का परमिशन था पुलिस को, और अधिकतर मामलों में क्या है, 60 दिन का, वो सजा के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण थे, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया, अब सब चीज के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी में, जांच में, आरोप पत्र में, ट्रायल में, जमानत, जजमेंट आदि सब में क्या किया गया, समय सीमा तय किया गया। 35 ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 35 ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं जिसमें समय सीमा तय है, ठीक है। दूसरा, पुलिस जांच में टेक्नोलॉजी के उपयोग पे का इसमें अनुमति एक तरह से हुआ, उसको बढ़ावा देने की बात इसमें शामिल है, ठीक है। ये मेरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात। इसी तरह तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे, उसी को हम लोग अब जान रहे हैं इसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीन कानून आबाद है, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में क्या चेंज आया, दोनों में धारा भी देख सकते हम लोग हैं। जैसे पहले मैं आपसे मैंने लिखा दिया था 511 था आईपीसी में, और भारतीय न्याय संहिता में घटकर हो गया 358। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की, तो पहले 484 था, ठीक है, उसमें बढ़ती वृद्धि हुई, ये बढ़ के हो गया 531, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की बात करेंगे अगर, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखिएगा, यहाँ पे वृद्धि हुई, 484 धारा था यहाँ पे पहले, 484 था, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बढ़ा के 521 सेक्शन में बांटा गया, ठीक है। उसी तरह आएंगे हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखिएगा, तो ये पहले 167 धारा था, 167 था, अभी नए में हो गया 170, तीन धारा यही बढ़ी, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में आप करेंगे 170 धारा है, ठीक है। नागरिक सुरक्षा संहिता में, ठीक है, वर्तमान में 531 करेंगे, ठीक है। आईपीसी में केवल कम हुआ वहां पे, बाकी दोनों में हम लोग देखते हैं वृद्धि है, ठीक है। एविडेंस एक्ट में क्या हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण बदलाव है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो क्या करता है, वो दस्तावेज की परिभाषा में महत्वपूर्ण बदलाव आया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी साक्ष्य है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर, कंप्यूटर पे उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप पे उपलब्ध दस्तावेज, सबको क्या किया गया, सबको मान्यता प्रदान किया गया है, ठीक है। वेबसाइट पे लोकेशनल साक्ष्य को, जो लोकेशनल साक्ष्य होता है कि कहाँ का लोकेशन है, इस सबको अब एविडेंस के तौर पर मान्यता दिया गया। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साक्ष्य के रूप में जरूर चल रहे थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में नहीं थे, अब इसको साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। महत्वपूर्ण इसमें यही है कि दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार किया गया है, क्लियर है। तो पीटी के पर्पज से इतने जानकारी रखेंगे, मुख्य परीक्षा के ख्याल से या फिर जो जुडिशियल के स्टूडेंट होंगे, न्यायिक सेवा देते हैं, उन लोग इसको विस्तार से फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट घटनाक्रम है मेरा। अब सबको पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ था, संसद पे एक दो लड़के संसद भवन में अंदर में कूद गए, ये घटनाक्रम आपने सुना है, हमने आपसे चर्चा भी कर रखा है पिछले करंट अफेयर्स के क्लास में, ठीक है। इस तरह की घटना पहले भी हुई थी, संसद भवन पे हमला हुआ था पहले भी, कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था, 13 दिसंबर को हुआ था, इस बार भी 13 दिसंबर को ही रिपीट किया गया था, ये हम लोग पहले पढ़े, ठीक है। एक नया घटनाक्रम उसी में फिर जोड़ेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन, वहां पे भी जोड़ सकते हैं, आप कॉपी में लिख रखे होंगे, और नहीं तो आप अलग से भी लिख लीजिए। इस संसद परिसर की सुरक्षा का दायित्व, संसद परिसर की सुरक्षा का दायित्व अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया, ठीक है। ये आपका नया इन्फॉर्मेशन है कि अब संसद परिसर की सुरक्षा कौन कर रहा है, तो केंद्रीय, एकदम आप मान के चलिए औद्योगिक सुरक्षा बल, ये पीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आने वाले दो तीन एग्जाम अगर आप देंगे तो आप निश्चित रूप से देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे
टकराया रहेगा एग्जाम हॉल में कि संसद भवन की सुरक्षा का दायित्व किसके पास है। ऑप्शन देगा वो दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, ठीक है, इस तरह का आपको ऑप्शन देगा वो चार, तो आप समझिएगा आप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास संसद भवन की अब जवाबदेही सुरक्षा की दी गई है। ठीक है, एक लास्ट इंफॉर्मेशन फिर है इसमें राज्य व्यवस्था में। हाल में ही केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा के बीच शांति समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, ये उल्फा कहाँ का संगठन है? उग्रवादी संगठन है, असम का है, अब पहले बहुत चर्चा में रहा। ये 1979 को गठित हुआ था। उल्फा कब गठित हुआ था? तो 1979 को गठन हुआ था उल्फा का। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा 1979 से गठित हुआ। और ये उग्रवादी घटनाओं और हिंसक घटनाओं को इन्होंने बहुत बार असम में, खासकर जब प्रफुल्ल महंता की सरकार थी वहां पर, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के लोगों ने अंजाम दिया था। ठीक है, अभी इनसे एक अंतिम रूप से एक शांति समझौता हुआ है जिसमें केंद्र सरकार, असम सरकार, उल्फा ने साइन किया। ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ देखिए, ये भी मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेगा, पूर्वोत्तर में शांति या पूर्वोत्तर में जो सरकार के प्रयास है वो। अब यहाँ पर लोग देखेंगे, अभी जो समझौता हुआ उसमें एक बात हुई है कि एक समिति बना करके, एक कमेटी बना करके, ठीक है, एक समिति बनाकर के समझौते को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। जो समझौता हुआ है उसका कार्यरूप देने के लिए उसे एक कमेटी बना करके उसको समय के अनुसार समयबद्ध रूप से हम लोग निष्पादित करेंगे, कार्यान्वित करेंगे। ये पहला डिसीजन हुआ। दूसरा हुआ कि जो लोग शांति का रास्ता अपनाएंगे, मतलब हिंसा का रास्ता छोड़ के शांति का रास्ता अपनाएंगे, उसको रोजगार देने का, रोजगार मुहैया कराने का और उसके पुनर्वास के लिए सरकार काम करेगी। क्या है दूसरा बिंदु? शांति में जो लोग आएगा, शांति का मार्ग जो चुनेगा, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? रोजगार की व्यवस्था और पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि उनके सांस्कृतिक हितों का भी संरक्षण किया जाएगा। जो आएंगे मुख्यधारा में, जो जुटना चाहेंगे, जो जुटेंगे, उनके सांस्कृतिक हितों को भी सरकार संरक्षण देगी। ठीक है, यह समझौता का मूल बिंदु है जो अभी केंद्र सरकार, असम और उल्फा के बीच में शांति समझौता हुआ है। ठीक, चलिए इतनी बात को प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखेंगे। आपसे चर्चा लगातार करते रहते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य है इससे, इसके संबंध में नीतियां भारत सरकार की, या वहाँ शांति, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में, वहाँ एक बिंदु ये रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे खेल पे। ठीक ना, खेल को जो हमारा एक पार्ट है, एक यूनिट बना रखे होंगे करंट अफेयर्स में अपनी अपनी कॉपी में, 10 यूनिट में हम आपसे चर्चा किए हुए हैं। खेलकूद एक अलग यूनिट रहेगा जहां से हमेशा प्रश्न पीटी में आते हैं। आपको पता है ये पूरी तरह से फिल्म्स बेस होगा, मुख्य परीक्षा में खेलकूद से इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते लगभग। ठीक, आइए खेलकूद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक नाम है आर वैशाली, अगर आपने सुन रखा है नाम तो बताएंगे आर वैशाली। ठीक है, नाम सुना है इनका, चेन्नई की हैं, ठीक है, और ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल की। ठीक है, ग्रैंड मास्टर, ये ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल से जुटा है, कम से कम इतना बताइए। ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वो किस खेल में दिया जाता है, ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खेल में दिया जाता है? ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसका, ये जरूर जानना चाहिए सबको। ठीक है, ठीक है, चेस में दिया जाता है, लिख रहे हैं सोनी कुमारी। ठीक है, ग्रैंड मास्टर चेस में दिया जाता है। ठीक है, आर वैशाली चेन्नई की है, इनको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। ठीक है, महिला है, पहली महिला, वहीं पे तुरंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, पहली महिला भारत की जिसे ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है, कोनेरू हम्पी है, क्या नाम है इनका, कोनेरू हम्पी। तो पहली महिला पूछेगा जिसको ग्रैंड मास्टर मिला है, तो अब आंसर करेंगे कोनेरू हम्पी, पहली महिला है। आर वैशाली के विषय में एक और बात है। ठीक है, क्या है, तो आर वैशाली का जो भाई है वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर है, आर प्रज्ञानंदा, इनका भाई का नाम है, इसके भाई का आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, आर वैशाली और आर प्रज्ञानंदा दोनों भाई बहन हैं, इनको पहले से ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला हुआ है। इस तरह भारत में
अगर भाई बहन की जोड़ी पूछेगा तो पहला ऐसा मामला है कि भाई बहन दोनों ग्रैंड मास्टर हैं, आर वैशाली और आर प्रज्ञा नंदा। क्लियर है? तो इसलिए इसको देखेंगे। देश में अगर हम लोग ऐसे जाने तो 84 ग्रैंड मास्टर अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा इसमें सबसे प्रसिद्ध जो नाम रहा है, जो बहुत लोग जानते भी होंगे, विश्वनाथन आनंद का। ठीक है, शतरंज में भारत की ओर से, ठीक है, ग्रैंड मास्टर थे वो भी। तो ये सब लोग, ये भी ग्रैंड मास्टर आर वैशाली नई में बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएंगे। देखिए विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एकदम बेसिक क्वेश्चन अगर पूछता है किसी एग्जाम में तो सिंपल दे देता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अब बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, तो विजय हजारे ट्रॉफी हो गया 2023 का खेल हो गया। विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित खेल है, ट्रॉफी है। हरियाणा और राजस्थान के बीच में इसका फाइनल मुकाबला हुआ, हरियाणा विजयी हुआ। तो ये प्रश्न आते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता इस बार हरियाणा रहा। हरियाणा और राजस्थान के बीच में खेल हुआ और हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता है। ठीक है, फिर आपसे था हम लोग के पास क्वेश्चन से, भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज एक हुआ। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, क्रिकेट की जानकारी कभी कभी आती है, वर्ल्ड कप ज्यादा आता है, लेकिन एक लाइन में ध्यान रखेंगे तो क्या है, वो भारत 4-1 से इसमें विजयी हुआ था। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जो हुआ उसमें भारत 4-1 से विजयी हुआ। क्वेश्चन के लिए कि भारत के कप्तान कौन? भारत ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, भारत के तो आप लोग जानते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू बेट थे। ठीक है, और इसमें ठीक ना, चलिए यहां तक की जानकारी इसको रखेंगे। आगे आइए भारतीय कुश्ती संघ पे, ये बड़ा महत्वपूर्ण चला है अभी। ठीक आप इसको लगातार देख रहे हैं, चर्चा में विवाद में जो आप बोलिए, भारतीय कुश्ती संघ। ठीक ना, देखिए विवाद में रहने के कारण आपको पता होगा, पहले कुछ महिला पहलवानों ने विरोध किया इसके अध्यक्ष के, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण का। कौन थे अध्यक्ष? बृजभूषण। ठीक है, आपको पता है इनका विरोध होना शुरू हुआ, भारतीय महिलाओं ने इन पर तरह तरह का आरोप लगाए, पहलवान महिलाओं ने। ठीक है, इसके बाद भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ। ठीक है, तो भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में संजय सिंह विजयी हुए। कौन जीते? संजय सिंह चुनाव जीते, अध्यक्ष बन गए। इन्होंने हराया किसको? तो अनीता सयोरान को। किसको हराया संजय सिंह ने? तो अनीता सयोरान को हराया। ठीक है, संजय सिंह विजेता हुए तो अध्यक्ष बन गई है क्या, भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में। ये संजय सिंह कौन है भाई? ये माना जाता है कि इन्हीं के करीबी हैं, बृजभूषण के ही करीबी। ठीक है, इनके करीबी संजय सिंह चुनाव जीत गए। जब ये चुनाव जीते तो भारतीय महिलाओं, महिला जो पहलवान है उसमें खासकर आप नाम जानेंगे साक्षी मलिक, इन्होंने इसके विरोध में कि चलिए जब ये चुनाव भी जीत गए यहाँ भी न्याय नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की। आप देखे होंगे साक्षी मलिक ने कहा कि हम पहलवानी से संन्यास ले लेते हैं, संन्यास ले लिया। इसके बाद हमने देखा कि इनके समर्थन में बजरंग पुनिया ने, अभी बजरंग पुनिया कौन है? बजरंग पुनिया अगर आपको नाम ध्यान हो तो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया ने क्या किया, अपना पद्मश्री सम्मान लुटाया। ठीक है, इसने भी कहा कि हम अपना पद्मश्री अवार्ड इसको मिला हुआ है कि पद्मश्री हम अपना वापस करते हैं इसके विरोध में। ठीक है, कुछ दिनों के बाद घटनाक्रम और बढ़ा और विनेश फोगाट, एक और खेल इसके पहलवान है विनेश फोगाट, आपको पता होगा ये कौन है, विनेश फोगाट एशियाड में ये गोल्ड मेडल जीते हैं। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, नहीं मिला, तो उनके कार्यालय के बाहर इन्होंने क्या किया, अपना सम्मान रख दिया और एक ट्वीट डाला था कि विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लुटाया। इनको खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है और अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये, तो विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने की घोषणा की। ठीक है, अब देख रहे हैं तीन पहलवान का नाम, साक्षी मलिक,
बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, इनका नाम आ गया। ये जो घटनाक्रम चलना शुरू हुआ विरोध का, तो खेल मंत्रालय ने भी देखना शुरू किया इस विवाद को क्या है। एक मौका संजय सिंह की तरफ से मिला कि जिस दिन अध्यक्ष बने उसी दिन इन्होंने क्या किया, अंडर 15 का और अंडर 20 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप का घोषणा कर लिया। ठीक है, अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय चैंपियनशिप का घोषणा किया। समान रूप से इन घोषणा के पहले पहलवानों से या लोगों से एक विमर्श करके डेट देते हैं, लेकिन इन्होंने उसी दिन डेट दे दिया, जिस दिन ये अध्यक्ष बने उस दिन घोषणा कर दिया चैंपियनशिप का। खेल मंत्रालय ने इन्हें माना कि ये नियम का उल्लंघन है, और खेल मंत्रालय ने क्या किया कि संजय सिंह को निलंबित कर दिया। ठीक है, आप समझ लीजिए कितना विवाद खेल में, तो भारत के खेल का विकास, मुख्य परीक्षा का भी क्वेश्चन हो सकता है, खेल की स्थिति आपके लिए वहां के लिए बिंदु है कि भारत में क्या है, इस तरह के विवाद आते हैं तो उससे खिलाड़ी का और खेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप अपने एनालिसिस आप कर सकते हैं, अपना व्याख्या आप समझिए यहाँ पे कि संजय सिंह को निलंबित किया गया, और खेल मंत्रालय ने इसको निलंबित करने के बाद भारतीय ओलंपिक संघ से कहा, भारतीय ओलंपिक संघ को बोला भारतीय ओलंपिक संघ से कि आप तदर्थ व्यवस्था कीजिए। निलंबित होने के बाद क्या हुआ, यहाँ हम लोग देखे भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इसको बोला गया कि वो आप कोई तदर्थ व्यवस्था कीजिए, किसके लिए तदर्थ व्यवस्था लागू कीजिए, इस कुश्ती संघ को चलाने के लिए, ये निलंबित हो गए भाई भारतीय ओलंपिक संघ को खेल मंत्रालय ने कहा। आपके लिए एक प्रश्न मेरी तरफ से है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का नाम पता है आपको, बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं अपने समय की भारतीय ओलंपिक संघ की जो भी अध्यक्ष हैं, ठीक है, जानना चाहिए। हम इसमें आपसे बात करके देखते हैं। इसका पूजा बता रही है कि पीटी उषा है, ठीक है, सही जवाब है आपका। ठीक है, आप बोल भी सकती हैं, हमारा माइक्रोफोन ऑन करके आप बोल भी पाएंगे, हमको भी देखना नहीं पड़ेगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं पीटी उषा। खेल मंत्रालय ने कहा भारतीय ओलंपिक संघ को कि आप तदर्थ व्यवस्था दीजिए, ठीक है, तीन लोगों ने एक तदर्थ व्यवस्था दिया है और घोषणा किया कि भारतीय बुत्सु संघ, एक भारतीय बुत्सु संघ है, क्या खेल है, भारतीय बुत्सु संघ, भारतीय बुत्सु संघ के अध्यक्ष हैं कौन है, भूपेंद्र सिंह बाजवा इनका नाम है, भूपेंद्र सिंह बाजवा। एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई भारतीय ओलंपिक संघ ने, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, भूपेंद्र सिंह बाजवा होंगे, ठीक है, जो कौन है, भारतीय बुत्सु संघ के अध्यक्ष हैं, अभी यही कुश्ती संघ का काम देखेंगे। ठीक है, इनके साथ 2 मेंबर बनाया गया, एक है एम एम सोमाया को बनाया गया, एक मंजूषा कंबर को बनाया गया, मंजूषा कंबर और एम एम सोमाया 2 सदस्य बने, 3 सदस्यीय कमेटी भारतीय कुश्ती संघ को देखने के लिए बना दी गई है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र सिंह बाजवा है, जो भारतीय बुत्सु संघ के अध्यक्ष हैं। क्लियर, ये मेरा मानना है कि अगर आने वाले दिन में जाएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकरण से भी प्रश्न होंगे। ठीक है, ओलंपिक संघ, भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बिजभूषण के खिलाफ महिला विवाद, चुनाव के बाद संजय सिंह का आना, फिर अनिता सरवण का हारना, इनका निलंबन का कारण, इसके बाद से 3 पहलवानों का विरोध, फिर आप देखें भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के द्वारा तदर्थ व्यवस्था, इस तदर्थ व्यवस्था को बहाल करने का निर्देश उन्हें कहां से मिला है, खेल मंत्रालय से मिला था। क्लियर है, इस तरह भारतीय कुश्ती संघ का मामला अभी यहां पे पहुंचा है, आगे जो घटनाक्रम होगा हम लोग फिर से उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग कुछ बात की चर्चा करेंगे। 2023 हमारा बीत चुका है, हम लोग का 2024 में हम लोग हैं, जो 2-4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी खेल के दुनिया का, ठीक है, उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या महत्वपूर्ण रहा है, जहां से प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो महत्वपूर्ण 2-4 खिलाड़ी का नाम है उसको कम से कम हम लोग फिर से एक बार पढ़े, जरूर आप लोग पहले देखे होंगे, देखते हैं कितना आप लोगों को याद है, क्या क्या आपने पढ़ रखा है। पारुल चौधरी, जो प्रश्न आपसे आ सकती है, पारुल चौधरी ये कौन है, एशियाड में महिलाओं की 5000 मीटर, एशियाड में महिलाओं की 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीती पारुल चौधरी, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हुआ कि पहली भारतीय महिला हैं जो 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीती एशियाड में, पारुल चौधरी। ठीक है, एक नाम इसका याद रखेंगे। दूसरा, अभी जो एशियाड हुआ चीन में, एशियाई खेल, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा हमारा। एशियाई खेल किस दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा? 72 वर्ष का एशियाई खेल का इतिहास है कि 72 साल में पहली बार हुआ कि भारत 100+ कितना मेडल जीता, 107 मेडल जीता। 100+ पहली बार एशियाड खेले में भारत के द्वारा मदद पदक जीते गए, जो कुल 107 पदक हैं। ठीक है, इसमें सर्वाधिक पदक अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ जीता इन लोग, वो था एथलेटिक्स। देखिए क्वेश्चंस रहेंगे आपसे एथलेटिक्स में कि सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते गए, वो एथलेटिक्स है। यहाँ पे हम लोगों ने 29 कुल पदक जीते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको गोल्ड, रजत और सिल्वर में देखेंगे अगर, तो 6, 14 और 9 है। 6 गोल्ड था, 14 रजत था और 9 कांस्य पदक था। ठीक है, इसलिए आपको ये डिवीजन बता रहे हैं कि अगर हमसे गोल्ड पूछेगा सबसे अधिक गोल्ड किस खेल में हम लोगों ने जीता, तभी आंसर बदल जाएगा। देखिए 2 नंबर पर रहा निशानेबाजी। ठीक है, टोटल 22 गोल्ड जीते हम लोगों ने, मेडल जीते 22, इसमें गोल्ड रहा 7। सर्वाधिक गोल्ड अगर पूछेगा एशियाड में भारतीयों के द्वारा, तो आपका आंसर होना चाहिए निशानेबाजी। सर्वाधिक मेडल पूछेगा तब आपका आंसर होना चाहिए एथलेटिक्स। ठीक है, यहाँ रहा 7, 9, 6, 7 गोल्ड, 9 रजत, 6 कांस्य। ये पूरा डिवीजन याद रखने की जरूरत नहीं है, हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं याद आप इसको रखिए, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। टोटल 107 आ सकते हैं, सर्वाधिक एथलेटिक्स में आ सकते हैं, सर्वाधिक गोल्ड निशानेबाजी में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न आएंगे। ठीक है, एक दो प्रश्न और जो महत्वपूर्ण है, जो खिलाड़ी रहे उसको देख ले। जैसे नीरज कुमार, आप नाम सुने हैं सब लोग, ठीक है, उनमें महत्वपूर्ण ये है कि लगातार दूसरी बार उन्होंने गोल्ड जीता है एशियाड में। ठीक है, नीरज कुमार के बारे में आपको पता है, पहले भी गोल्ड जीते थे, इस बार फिर से गोल्ड जीते, लगातार दूसरी बार एशियाड में गोल्ड जीता। ठीक है, अन्नू रानी, एक नाम याद रखेंगे, अन्नू रानी भाला फेंक में है। ठीक है, भाला फेंक में एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, इसलिए इसका भी नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हॉकी। हॉकी में कुछ बात को देखिए कि हॉकी में क्या हुआ। अब सबको पता हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, देखेंगे इसको यहाँ पे FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप इस बार कहाँ हुए, भारत में हुए। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ, ठीक ना, पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन कहाँ हुआ, आप यहाँ मान के चलिए प्रश्न आपसे आ सकता है, भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित हुए, 23 से 29 जनवरी भुवनेश्वर में आयोजित किए गए 23 में। ठीक है, इसमें कौन जीता, तो जर्मनी और बेल्जियम फाइनल में पहुंचे, जर्मनी तीसरी बार विजेता बना। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत में आयोजित हुआ भुवनेश्वर शहर में, भुवनेश्वर में इनका आयोजित हुआ। ठीक है, भुवनेश्वर में आयोजन हुआ और जर्मनी इसमें विजयी रहा है बेल्जियम को हरा करके। ठीक है, जर्मनी तीसरी बार वर्ल्ड कप का विजेता बना। ठीक है, ठीक, देखिए एशियाड हॉकी में आएंगे, एशियाड हॉकी में क्या हुआ, पुरुष वर्ग में भारत क्या है, विजेता हुआ। एशियाड हॉकी में हम लोग देखे पुरुष वर्ग में भारत विजेता हुआ, एशियाड जीतने के कारण से क्या होगा, वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया, पेरिस ओलंपिक में भारत क्वालिफाई करेगा, एशियाड विजेता गोल्ड मेडल जीता। इसलिए महिला हॉकी को देखेंगे तो एशियाड में वो कहाँ पे है, कांस्य पदक जीती है। ठीक है, एक और नाम आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा दूसरे खेल में, बैडमिंटन में, बैडमिंटन पिछले क्लास में भी हम लोग अवार्ड पढ़ रहे थे। ठीक है, वहां भी आप लोग बैडमिंटन में पढ़े होंगे, 2 का अवार्ड हमने वहां भी आपसे बताया था कि बैडमिंटन खेल में जो अवार्ड दिए गए हैं वो सात्विक साईराज रेड्डी, सात्विक रेड्डी जो है, सात्विक साईराज रेड्डी नाम है उनका, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी नाम है, तो सात्विक रेड्डी और इनका पार्टनर है, उनका नाम है चिराग सेट्टी। ठीक है, चिराग सेट्टी, ये महत्वपूर्ण है बैडमिंटन में, इसलिए महत्वपूर्ण है कि विश्व में नंबर 1 जुगल जोड़ी बनी। ठीक है, सात्विक रेड्डी और चिराग सेट्टी की जो जोड़ी है वो विश्व में नंबर 1 जुगल जोड़ी बनी है और एशियाड में भी इन लोगों ने गोल्ड मेडल जुगल में जीता था। ठीक है, इसलिए इनका भी नाम आपको बैडमिंटन में याद रखना चाहिए।
देखिए होता क्या है ना, बहुत बार आपसे अवार्ड या किया जीता ही नहीं पूछता, वो सिंपल से क्वेश्चन डालता है कि सात्विक रेड्डी का संबंध किस खेल से है, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन। इसलिए कुछ खेल खिलाड़ी को हम लोग जानेंगे, ठीक है, तभी उसको एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। ठीक है, चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पैरा तीरंदाजी में नाम हम लोग सुना होगा शीतल देवी। पैरा तीरंदाजी में एक नाम महत्वपूर्ण निकल के आया है शीतल देवी का, आप देखे होंगे इनको भी न्यूज़पेपर, इस समय इनका फोटो भी बार बार छपा। पैरा तीरंदाजी, पैरा तीरंदाजी में पैरा एशियाड जो हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीती शीतल देवी। हाथ नहीं है, पैरों से तीरंदाजी करती हैं, भुजाएं इनकी नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसी तरह मुक्केबाजी, आपसे बार बार दोहरा रहे मुक्केबाजी कि नाम पूछता है ये किस खेल से है, खिलाड़ी का नाम संबंध, तो कम से कम इतना जानिएगा तभी आगे कौन अवार्ड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक ना, जैसे मुक्केबाजी निखत जरीन का नाम आपको याद रखना है, निखत जरीन का इनका नाम याद रखेंगे, निखत जरीन। ठीक है, आप समझिए इसको, मैरी कॉम के बाद ये दूसरी महिला इस तरह की दिख रही है हमको, निखत जरीन। कहे क्यों, ये लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी, निखत जरीन मुक्केबाजी में लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनी, और मैरी कॉम के बाद ऐसी दूसरी महिला है भारत की। ठीक है, मैरी कॉम का नाम आप सब जानते हैं, इसी तरह अब निखत जरीन का नाम याद रखिए। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निखत जरीन का नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ नई दिल्ली में भी विश्व चैंपियनशिप हुआ, वहां भी जो कुछ लोग जीते हैं मुक्केबाजी में, ठीक है, उसको भी नाम आपका एक दो का नाम ध्यान रखिए, बार बार एक दो बार पढ़िएगा नाम ध्यान में चलेगा। जैसे नीतू, नीतू घागस, लवलीना, नीतू घागस लवलीना, ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है, अलग अलग है, नीतू घागस अलग है, लवलीना और स्वीटी, ये तीन भी मुक्केबाजी से हैं जो विश्व मुक्केबाजी में चैंपियनशिप जीती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक महत्वपूर्ण था। एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सबको ध्यान होगा, हम लोग ऐसा नहीं, हमको नहीं लगता कोई स्टूडेंट नहीं जानता होगा, आईसीसी ट्रॉफी अभी हुआ, ठीक है, वनडे का जो विश्व कप हुआ आईसीसी ट्रॉफी, आप सबको पता है फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया छठी बार ये चैंपियनशिप को जीतने में सफल हुआ। ठीक है, भारत को फाइनल में इसमें पराजय का सामना करना पड़ा, ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए आपको। इसी तरह एशियाड क्रिकेट, एशियाड जो क्रिकेट हुआ था, एशियाई खेलों में क्रिकेट शामिल हुआ, एशियाड क्रिकेट में कौन जीता, तो महिला टीम ही स्वर्ण पदक जीती। ठीक है, अब आपको महिला क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम जानना चाहिए, पुरुष कप टीम का तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे महिला क्रिकेट टीम का कप्तान का नाम जानिएगा, हरमनप्रीत कौर। कौन है महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, हरमनप्रीत कौर, एशियाड गोल्ड मेडल जीतने वाली जो भारतीय टीम है उसकी कप्तान रही महिला की, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए खेल में यहाँ तक इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, खेल और पुरस्कार दो ऐसा क्षेत्र है जो कि आपको ही पता है एकदम पीटी बेस है, ये मुख्य परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, लेकिन पीटी में प्रश्न यहाँ से लगातार आते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग लेट से शुरू किए, इसको छोड़ेंगे, कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग यूट्यूब पे भी दे रहे हैं आपको, इस वीडियो को बाद में आप वहां पे देख पाएंगे, इससे 35-40 मिनट का ही सेशन रखना चाहते हैं ताकि आप भी अच्छे से कर पाए। ठीक है, आप कल का समय जैसा होगा बताएंगे आपको, हम पहले भी कल मैसेज में डाल देंगे। ठीक है, आप कुछ बताना चाहेंगे तो आप हमसे यहाँ भी बता सकते हैं, और जो लोग YouTube में देखते हैं बाद में भी, हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में YouTube पे ही देखते हैं, तो वहां भी आप कमेंट में कुछ बात अपनी बात बताएंगे, या कुछ जानना चाहते हैं, या कुछ और विशेष तरीके से आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो हमको वहां भी कमेंट में बताएंगे अगर आप, तो भी हम लोग आपको आपके अनुसार से, आपकी परीक्षा के उद्देश्य से आपके अनुसार से कुछ बताने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होंगे तो आप वहां भी अपनी बात रख सकते हैं, और यहाँ भी आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।